Alaikum viewers, and welcome to a brand new episode of Kahani Pakistani with your host Aisha Gilani. Zindagi ka koi bhi marhala ho, ek sense of pride milta hai ye dekh kar ki ladkiyan ladkon ke shana bashana hai. Koi bhi field ho, koi bhi role ho, zindagi ka koi aisa hissa nahi jisme ladkiyan apna kirdaar na ada kar rahi ho. Khawateen ki awesomeness yani girl power pe to main ungenit shows kar sakti hu. आप शायद ये भी कह सकते हैं कि खुद ही एक लड़की होते हुए I'm a bit biased. But seriously, पाकिस्तानी खवातीन are making waves और उन लहरों की पहुंच पाकिस्तान के बाहर तक है. आज के एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात दो फैंटास्टिक फीमेल से करवाऊंगी जो अपना खवातीन का और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं विजुअल आर्ट्स में एंड बियॉन्ड. और ये कहानियाँ को इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं आपको लेके आई हूँ वाशिंगटन DC में एक पब्लिक आर्ट स्टूडियो एंड लाउंज आर्ट जैम्स पे. जीवे जीवे पाकिस्तान. शायद आप जानते हो कि पाकिस्तान के लिए दुआओं से पूर्व ये नगमा लिखा था जमीलुद्दीन आली ने. लेकिन क्या आप जानते हैं उनकी सबसे छोटी ग्रैंड डॉटर? जी हाँ, टैलेंट रन्स इन दिस फैमिली. खाला जमील एक क्रिटिकली एक्लेम्ड फोटोग्राफर है और उनकी फोटोग्राफी का टैलेंट ने सरहद यू पार की है कि ग्लोबल लेवल पर पाकिस्तान की खूबसूरती को सेलिब्रेट किया जा रहा है. सबसे ज्यादा चीज जो वापस आके मिस की वो था चलना फिरना सड़कों पे, क्योंकि यहाँ पे वो माहौल नहीं है हमारे पास जहाँ पे फ्रीली आप जो है अकेले चल फिर सकें. वेदर इट्स स्ट्रीट्स या छोटा सा काम के लिए भी मार्केट तक जाना हो, असाइड फ्रॉम ऑल द कल्चर और ब्रॉडवे शोज और जो सारा मजा आया था न्यूयॉर्क में, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंस की फीलिंग थी वो यहाँ पे आके ऑब्वियसली मिस करते हैं. कैमरा पहली दफा उठाया सेकेंड ईयर में इंडस वैली में, उसको पकड़ के फीलिंग ही अलग थी. पता था कि इसका साथ लंबा दौर होगा. एक्चुअली मेरी फैमिली जो है वो काफ़ी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड है हमारा. मेरे दादा एक पोइट हैं एंड उन्होंने जीवे जीवे पाकिस्तान लिखा है, तो बहुत पेट्रियाटिक हैं. अम्मी पेंटिंग करती हैं, अब्बू एक्टिंग करते हैं, बहनें आर्टिस्ट हैं, सब इंडस्ट्री भरे हुए हैं, तो आर्ट तो हमेशा से ब्लड में था. ए लेवल्स के बाद इंडस वैली ज्वाइन किया कम्युनिकेशन डिज़ाइन में. इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. टीचर्स बहुत अच्छे थे, नर्ड काफ़ी कहलाई इस दौरान में. स्टूडेंट काउंसिल में थी, हर इवेंट में ऑर्गेनाइजर. फुल कॉलेज एक्सपीरियंस जितना हो सकता था मैंने किया. और फिर जब उसके बाद थीसिस का वक्त आया तो सोचा कि डिज़ाइन डिग्री है, फिल्म माइनर है, फोटोग्राफी का पैशन है, सबको मिला दो. And I came up with a book. Usme I highlighted creative individuals in Pakistan. Successful hui as a thesis project, isliye it got picked up a year later by a publishing house. And wo full on launch hui uski phir Pakistan mein aur Dubai mein bhi. So wo bahut appreciate hua. And uske foran bilkul 10 din baad I left for my masters. स्कॉलरशिप मिली थी फुल ब्राइट पार्सन स्कूल ऑफ डिज़ाइन न्यूयॉर्क, वहाँ पे मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स इन फोटोग्राफी के लिए गई थी. इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड कोर्स. पहली दफ़ा अमेरिका आ रहे थे, कुछ पता नहीं था एज सच, अपार्टमेंट भी नहीं था. तो जब ढूंढने का वक्त आया तो एक मेरी जूश फ्रेंड है और एक मेरी क्रिश्चियन फ्रेंड है, उन्होंने कहा हम लोग भी ढूंढ रहे हैं. दो मिनट भी नहीं सोचा, किसी ने कुछ नहीं सोचा, हम लोगों ने कहा डिसाइड कर लिया कि हम लोग साथ रहेंगे एंड देन वी लिव टुगेदर फॉर 2 ईयर्स. एक दूसरे की सब कुछ सेलिब्रेट किया, हनुका, क्रिसमस, ईद, बहुत मज़ा आया. हमारे कॉलेज जो है प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट जो पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको बुलाते थे एंड वन ऑन वन हमारे सेशंस होते थे उनके साथ. वो हमारा काम देखते थे एंड वो अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस सब हमारे साथ शेयर करते थे.
And that really took my work to the next level, which is something which I really, really appreciate of my education over there. बहुत सारे experiences Fulbright के ही through थे. They gave us a global teacher training session for those who were interested in going to their high schools and interacting with the high school students. So I gave presentations on Pakistan. They were fascinated. वो इतना नहीं जानते थे पाकिस्तान के बारे में. That experience was great. Second special experience था वो एक event था जो Fulbright organize करता है every year. मुझे उन लोगों ने कहा कि मुझे ऑनर करना है उनके इनवाइटी को एंड मेरी बुक के बारे में भी मुझे बात करना है. इट वाज अ ह्यूज ऑनर फॉर मी और बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान के बारे में बात करते हुए इन सब के सामने. और मेरे पास फिर बाद में बहुत से लोग आए, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान इज़ डूइंग गुड वर्क. अमेरिका से वापस आने का वक्त हुआ. सो व्हेन आई मूव्ड बैक, सबसे पहले जो नाम मेरे माइंड में था वो था शर्मी नोबेल चिनॉय. वो मेरे रेडार पे काफ़ी पहले से थी. एंड व्हेन आई गॉट बैक मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा आके मिलो मुझसे. एक उनका नॉन प्रॉफिट है जिसका नाम है सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान. शी आस्क्ड मी टू हेड द पोरो वीडियो एनिमेशन डिपार्टमेंट. अमेरिकन फोटोग्राफर हैं ब्रैंडन स्टैंटन, उनका प्रोजेक्ट है ह्यूमंस ऑफ न्यूयॉर्क. One street portrait at a time, that's the tagline. So then after that, ek international trend shuru ho gaya. Humans of Florence aa gaya, humans of Beijing, humans of etc. So no one had taken Karachi. I immediately grabbed it. Maine Sharmeen ko email ki, maine kaha Sharmeen, this is it. And she said, go ahead. And the next day I was out. Normal gupshup se baat shuru hoti hai. और उनकी एक पर्सनालिटी, उनकी एक सोच, उनका एक ख्याल निकल आता है. और यही ख्याल मैं जो वो दो तीन लाइनों में उनकी तस्वीर के साथ फोरम पे डाल देती हूँ. We had no idea at that point that how popular Humans of Karachi would become. It was, I would say, explosive. And well, I had a lot more fun going out for the Humans of Karachi shoots and doing anything at CAP after that. लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है. खाला जमील के साथ और भी बहुत कुछ बाकी है एक छोटी सी ब्रेक के बाद. ब्रेक से वापस आने का बहुत शुक्रिया. खाला जमील की कहानी जारी रखते हैं. जो बाहर रहते हैं दे वर लाइक इज दिस कराची, दिस इज द कराची वी वांट टू सी. और जो यहाँ के जो है बाहर चले गए हैं वो कह रहे हैं दिस इज कराची, दिस इज व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस, दिस इज व्हाट वी वांट द वर्ल्ड टू सी, कि ये लोग हमारे हैं, ये हमारा इनसे इंटरेक्शन रहा है. आई थिंक खोला'स अकम्प्लिशमेंट वाज व्हेन ब्रैंडन स्टैंटन हिमसेल्फ लेफ्ट अ मैसेज फॉर हर सेइंग दैट ही वाज क्वाइट प्राउड ऑफ हर. सो आई थिंक दैट वाज खोला'स बिगेस्ट अचीवमेंट. ऑलमोस्ट 14,000 फैंस नाउ और अभी तक चल रहा है. And it's the best thing I've done since I got back. जो मेरे अपकमिंग शोज हैं उसके लिए मुझे तस्वीरें चाहिए थे ताकि मैं प्रमोट करूँ. डोंट वरी बी पाकिस्तानी अंग्रेजी में है कॉमेडी शो मगर पाकिस्तान के बारे में है. साथ का फोन आया कि ये कॉन्सेप्ट है, ये शूट करनी है. मुझे पता था बहुत मजा आएगा. आई वर्क विद हिम बिफोर, इसलिए एक्सपीरियंस रहा है और उसमें बहुत एनर्जी है. उसे जो कहती हूँ मैं वो करने को तैयार होता है. लोग सोचते हैं कि फोटोग्राफर का यही काम है कि वो पॉइंट करें, क्लिक करें. ये नहीं है. जो 99% काम है फोटोग्राफर का वो बिहाइंड द सीन्स होता है. आप उसको नहीं देखते. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जब ये फोटोग्राफ्स आएंगे बाहर, जब ये सब फोटोग्राफ्स लोग देखेंगे, वो देखेंगे कि पाकिस्तान क्या है और ये जो कॉमेडियन है ये क्या कर रहा है पाकिस्तान में. एक और चीज़ जो वापस आके की इज दैट ऐसी घूमते फिरते आईफोन से तस्वीरें लेती थी मैं शहर वगैरह की, लोगों की. दिस वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फोटो जर्नलिज्म. एक तो होता है जो कि आप बता कर ले रहे हैं, एक होता है नहीं बता के ले रहे. तो नहीं बता के लेने वाली भी मैंने की और फिर इवेंचुअली मैंने उसके पोस्टकार्ड्स बनाए. ये भी काफ़ी पॉपुलर हो गए और काफ़ी लोगों को पसंद आए.
So I sell them as sets, and it's got a really good response. Future plans mein, I really want to travel. Bahar ke photojournalists, photographers ke saath kaam karna hai. I had the pleasure ki main jo Pulitzer Prize jinhone is saal jeeta hai, Masood Husseini, unse main mili. Unhone mere kaam ke baare mein mujhse baat ki aur invite kiya Afghanistan, Kabul ke aake wahan pe exhibition karo. So inshallah that's in the pipeline. Bosnia mein ek workshop hone wali hai jisme duniya ke top photojournalists aake classes dete hain. तो वहाँ पे जाने का इरादा है. दुनिया के अलावा आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस पाकिस्तान. ह्यूमंस ऑफ कराची इतना पॉपुलर हो गया है, व्हाट अबाउट ह्यूमंस ऑफ हुंजा, व्हाट अबाउट ह्यूमंस ऑफ चित्राल. आई वॉन्ट टू गो कवर देम एज वेल, ताकि पूरी दुनिया देख सके, जितना अप्रिशिएट करें कराची को, पूरे पाकिस्तान को करें. अगर मैं अमेरिका ना जाती और वो सारे एक्सपीरियंसेस नहीं होते मुझे, मैं प्रॉब्ली फोटोग्राफी ही कर रही होती. लेकिन इतनी जो एक आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी डेवलप हुई है वो नहीं हुई होती. विजुअल मीडियम जो है एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है, अंडरस्टैंडिंग इससे बढ़ती है अगर आर्टिस्ट जो हैं अपने आइडियाज़ और अपने कल्चर वगैरह को शेयर करें. तो मेरा बस यही पैगाम है अमेरिकन आर्टिस्ट को और पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, कि वो दोनों उस पार जाएं और शेयर करें अपनी एक्सपीरियंसेस, अपने आर्ट वर्क, ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़े और माइंडसेट्स जो हैं इवॉल्व हों. और यही चीज़ मैं करती आई हूँ, अमेरिका में भी अब किया था और पाकिस्तान वापस आके भी किया है, एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में भी करती रहूँगी. दैट्स द एम. जिंदगी के छुपे पैगामत को ऐसे रंग के जरिए पेश करना कि उनमें जान पड़ जाए, एक टैलेंटेड विजुअल आर्टिस्ट ही कर सकता है. नादिया बतूल हुसैन एक ऐसे ही आर्टिस्ट है. फैमिली में एक होने वाले ट्रेजेडी से मुतासिर होके अपने जज्बात के इजहार के लिए उन्होंने इंसानी जिस्म का अकस्सी का सहारा लिया. अमेरिका में तालीम हासिल करने वाली नादिया ने एज एन आर्टिस्ट काफी कामयाबी हासिल की है, लेकिन एक पाकिस्तानी के तौर पर उन्हें अपना काम अधूरा लगता था. इसी सोच ने उन्हें वापस पाकिस्तान जाने पर कन्विंस किया. वो अपने मुल्क के दूसरे नौजवानों के भी करियर्स और पैशंस में कामयाबी के लिए उनकी मदद करना चाहती थी. आइए, लेट्स टेक अ वॉक इन नादिया'स शूज. मुझे यूनाइटेड स्टेट्स की जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ वो वहाँ पे वहाँ के म्यूजियम्स हैं. वहाँ जाके फर्स्ट टाइम बहुत सारे ऐसे आर्ट वर्क्स जो मैंने बचपन से किताबों में देखे थे, मुझे वो म्यूजियम्स में लाइव देखने को मिले. मेरा नाम नादिया बतूल हुसैन है. मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट एट NCR रावलपिंडी. मैं कराची में पैदा हुई थी और मैं उधर ही बड़ी हुई हूँ. जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया तो माय पेरेंट्स इंसिस्टेड कि मैं बिजनेस स्कूल जाऊँ, क्योंकि वो मुझे एक इंडिपेंडेंट औरत बनाना चाहते थे. उनके कहने पर मैं बिजनेस स्कूल चली गई. वो मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम था, क्योंकि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था. ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपने पेरेंट्स से लड़ के इंडस वैली ज्वाइन किया, जहाँ से मैंने अपनी BFA डिग्री कंप्लीट की. वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी एक्चुअल कॉलिंग क्या है. मुझे सिर्फ विजुअल आर्टिस्ट नहीं बनना था, मुझे आर्ट के थ्रू अपनी कम्युनिटी को और सोसाइटी को कुछ वापस भी देना था. इसी सिलसिले से मैंने टीचिंग शुरू की, क्योंकि मुझे लगा कि उससे आई विल गिव बैक टू द सोसाइटी, आई विल गिव बैक टू माई पीपल. आई फेल्ट के टू गेट द बेस्ट एजुकेशन मुझे यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहिए, क्योंकि मैंने हमेशा से सुना था कि वहाँ पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सबसे बेस्ट है. आई हैड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, तो
मैंने 3 साल फिर 2 से 3 जॉब्स एक साथ की थी जिससे मैंने कुछ अपने फाइनेंसेस जमा किए और फिर मैंने अप्लाई किया तो एडमिशन तो मुझे मिला और उन लोगों ने मेरे पोर्टफोलियो के बेस पे मुझे एक पार्शल स्कॉलरशिप भी दी जिसकी वजह से मैं वहाँ पे जा सकी। पेंसिल्वेनिया एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में पढ़ने गई थी जहाँ मैंने 1.5 साल में एक पोस्ट बैकलोरिएट डिग्री हासिल की। उधर जाके आई फाइनली हैड द एजुकेशन दैट आई नीडेड टू कम बैक एंड टीच। मेरा आर्टवर्क जो है वो बेसिकली ह्यूमन बॉडी के गिर्द रिप्रेजेंटेशन है। मैं ह्यूमन बॉडी को यूज़ करके अपनी बात एक्सप्रेस करती हूँ। ये मैंने शुरू किया था जब मैं इंडस वैली में थी। माई मदर हैड ओवेरियन कैंसर जिससे मेरी सडनली एक अवेयरनेस हुई थी कि एक जो ह्यूमन बॉडी होती है वो एक मशीन होती है जो अगर मेल फंक्शन कर जाए तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, नॉट जस्ट फिजिकली बट दूसरे लोगों को भी। और उसी को लेके मैंने ये काम शुरू किया था विद डायग्राम्स, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स। मुझे जो बॉडी के इनसाइड्स हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है कि जो ऊपर से हमारी स्किन होती है वो सिर्फ एक इल्यूजन है जो चेंज हो जाता है या जो जिसमें कम सच्चाई होती है और जो ट्रूथ है वो हमारे अंदर है। तो उसको मैंने फिजिकली लेके के स्केलेटन्स और बोन्स के साथ ह्यूमन बॉडी को रिप्रेजेंट किया। यूएस में जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कमिंग बैक टू पाकिस्तान, लोगों के साथ इंटरेक्शन में, पीआर के लिए और टीचिंग के लिए भी। मुझे अपने काम के बारे में लोगों के सामने बात करने में बहुत शर्म आती थी जब तक मैं पाकिस्तान में थी, जब जाने से पहले। उधर जाके मेरे प्रोफेसर्स ने मेरी ये वाली जो आदत है इसको बहुत इम्प्रूव किया। वो बेसिकली मुझे ये कहते थे कि आप कुछ भी कहो और वो सब वैलिड है, वो सब सच है। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया अपनी कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए और ऑल्सो मुझे लोगों से भी बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। उधर की जो इंटरेक्शन थी और जो ओपननेस थी उससे मेरी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हुई। व्हाट, यहाँ पे अलाउड है? आई स्वेयर। नादिया बतूल हसैन के साथ और भी बहुत कुछ एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कहा ना यहाँ अलाउड है, देखे ना। Anyway, Nadia Batul Hussain के साथ और भी बहुत कुछ बाकी है। Let's continue. जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो बहुत सारे जो मेरे दोस्त थे उधर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि मैं उधर ही रह जाऊँ क्योंकि ये पॉसिबिलिटी थी कि मैं उधर रह के काम करूँ। आर्टिस्ट के लिए एक बड़ा मुश्किल एक ये डायलॉग होता है उनके, मुझे लगता है मोस्ट पीपल फील के जस्ट आर्ट वर्क करना इज़ दैट इनफ। और ये आई डोंट नो कि अगर ये सबको होता है, ये मेरे लिए एक प्रॉब्लम था। तो इसी प्लान के साथ मैं और पढ़ने गई थी तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वापस आऊँगी और मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगी। और इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पर किसी का कोई फ़ायदा हो और वो जो भी मेरी एजुकेशन है या मेरा एक्सपीरियंस है वेस्ट ना हो। आई रियलाइज कि मुझे कॉलेज ही टीच करना है क्योंकि वहाँ पे आप एक्चुअल चेंज ला सकते हैं इन द यूथ, इन यंगर पीपल। वापस आने के बाद मैं कराची से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई और मैंने NCR रावलपिंडी में काम स्टार्ट किया और वो मेरे लिए एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है क्योंकि NCR एक गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए जो हर किस्म के बैकग्राउंड्स के होते हैं, जो हर किस्म की सिचुएशन से आते हैं और उनको पढ़ाने में मुझे ज़्यादा फुलफिलमेंट फील होती है। मैं
Nadia Badul has been a tremendous help throughout the year, joke NCA hum log ne guzare. I recently graduated from NCA in miniature as a major. So ye hai ke lagatar throughout the thesis aur college ke time ke andar bhi aap kisi time ke upar bhi unke paas jaake baat kar sakte hain. She is always there for you. Aur ye ke as she has experience and exposure of the studies abroad, to ye ke aapko wo ek zyada aapko ek de sakti hain input for your work, ke aap contemporary art ko kis tarah behtar samajh sakte hain ya practice kar sakte hain. Major real achievement hai, I would say, are my students. जब मैं अपने स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो ग्रेजुएट कर गए हैं, जो फील्ड में हैं आर्ट की और अदर क्रिएटिव फील्ड्स में, एंड जब उनकी सक्सेस मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है. और मैं यही चाहती हूँ कि मैं फॉर अ लॉन्ग टाइम मैं यही काम करती रहूँ. नादिया के कंसर्न्स हमेशा से एजुकेशन में स्टूडेंट्स को वो जो स्ट्रेस देती हैं वो बहुत ही फॉर्मल स्टडीज़ पे, जिसमें स्किल की डेवलपमेंट के ऊपर ख़ास तौर पे उनका इसरार होता है, और सीनियर स्टेजेस में लाइक थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में वो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन को अप्रिशिएट करती है. जो आपकी जो सोच होती है, आपकी जो मेमोरीज होती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप उनके मुताबिक पे आप बोलते हैं. जो आप करते हैं वो आपके उस मुताबिक पे करते हैं. जब आप ड्राइंग करते हैं वो उसी मुताबिक पे आपके हाथ से निकल जाती है. और जैसे उन्होंने ये कहा तो फिर हम सब के लिए ड्राइंग का जो मीनिंग है वो पूरा बदल गया. मुझे वाइट ब्लैंक सर्फेसिस से डर लगता है. एज एन आर्टिस्ट भी वो मेरे लिए एक चैलेंज होती है कि एक वाइट सर्फेस है और उसके ऊपर कुछ बनाना है. तो ये ऑफिस ही मेरे लिए उसी तरह बन गया. और यहाँ पे अपने को एडजस्ट करने के लिए या फिट करने के लिए मैंने ये चीज़ें लगानी शुरू कर दी. यहाँ पे लोगों की एग्जिबिशंस के इनवाइट्स भी लगे हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के इनवाइट्स भी लगे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इमेजेस जो हैं वो जो फेमिलियर या कंफर्टेबल इमेजेस होते हैं वो हमें एक जगह में एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं. माई फ्यूचर गोल इज़ मोर एजुकेशन. मुझे ये लगता है कि अगर मैं और एजुकेट हो जाऊं तो फिर मैं अपना ये काम जो मैं कर रही हूं वो मैं बेहतर कर सकूंगी. यहाँ पे बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि द अमेरिकन्स आर इवल. फॉर अ पर्सन जो वहाँ पे एजुकेशन के लिए जाए, उसके लिए मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू लर्न टू ग्रो एज अ पर्सन. मुझे ये लगता है कि हर थोड़े साल में कुछ सालों में हमें रिविजिट करना चाहिए एजुकेशन को, ताकि हम ग्रो कर सकें एज पीपल. कैसा लगा मेरा आर्ट वर्क जो मैंने नहीं बनाया और सिर्फ प्रटेंड किया कि मैंने बनाया? एनीवे, दैट्स द मैजिक ऑफ टेलीविजन. आई होप कि आपने हमारा एपिसोड आज इंजॉय किया. अब मेरा जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन आपको पता है कि आपने क्या करना है. हमारे इस फेसबुक पेज को लाइक करिएगा एंड स्टे इन टच. हम मिलेंगे अगली दफा एक नई कहानी अनोखा सफर के साथ. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफिज़.